अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारा सेकंड जो चैप्टर चल रहा है क्लास 11th का, तो आज हमारा टॉपिक है डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। आज हम जानेंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ चुके हैं पहले लेसन में। अगर मेरा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले उस लेक्चर को जरूर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशन क्या होती हैं कि पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर बेस टू एक्सप्रेस देयर क्वांटिटी। मतलब किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम पावर लगाते हैं, जो बेस क्वांटिटीज के ऊपर पावर लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। फिर से एक बार दोहराता हूं कि मतलब जो बेस क्वांटिटी होती है उसके ऊपर जो हम पावर लगाते हैं, जीरो वन टू वट एवर जो भी लगाते हैं हम, उसको हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया अगर हम यहां पर देख लेंगे, डायमेंशन ऑफ एरिया दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले हम देखेंगे उसके बाद उसकी डायमेंशन बताएंगे। फॉर्मूला है डायमेंशन ऑफ एरिया, जो है एरिया जो है उसका फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब अगर हम देखेंगे कि इसका जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगा, अब ब्रेड्थ जो है वो भी लेंथ ही है और लेंथ जो है वो ऑलरेडी लेंथ में ही है, तो इसका मतलब उसकी डायमेंशन जो है आ गई एल मल्टीप्लाइड बाय एल दैट इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले ही लिख चुका हूं। उसके बाद अगर हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, तो हमने देखा कि जो एरिया ऑफ वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब ये जो तीनों है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, तीनों क्या है, तीनों जो है लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब हमने क्या लिखा, इस पे जो है एल, अब ऐसे नहीं लिखेंगे हम एल मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय एल। अब जो बी और एच है इसको भी हमने एल से जो है रिप्लेस किया, तो इसका मतलब एल का क्यूब आ गया यहाँ पे। तो अगर हम डायमेंशन ऑफ ये डेंसिटी देखेंगे, तो डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन जो वॉल्यूम क्या है, फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो अब इस फॉर्मूले को अगर हम कन्वर्ट करें डायमेंशन में, तो हम देखेंगे कि मास, जो मास है उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम पहले हम डायमेंशन निकाल चुके हैं, वॉल्यूम की डायमेंशन हमारे पास आ गई है एल का क्यूब, तो डिवाइडेड बाय एल का क्यूब, तो हमारे पास डायमेंशन आ गई, जो मास की डेंसिटी की डायमेंशन है वो जो है वन जो है डायमेंशन है इन मास, और माइनस थ्री जो है डायमेंशन इन लेंथ है। अब हम अगर बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला की, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है कि किस तरह से हम क्या करते हैं, जो किस तरह से और एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन, कि कौन सी बेस क्वांटिटी जो है रिप्रेजेंट करती हैं डायमेंशन को, हाउ, कैसे और किस तरह से जो है बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करती हैं डायमेंशन को, हम उसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और इसको हमेशा हम क्या लिखते हैं, स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास पहले हम निकाल चुके हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, तो मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब इसकी जो है डायमेंशन जो है वन जो है इन मास, तो लेंथ अगेन जीरो, एल रेज पावर जीरो, टी रेज पावर जीरो, तो टाइम की डायमेंशन, टाइम में अगर हम इसकी डायमेंशन देखें जीरो है, लेंथ में जीरो है, लेकिन मास में क्या है, वन डायमेंशन। तो इसी तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड आ जाएगा, तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी इसका जो ये फॉर्मूला बनेगा एम जीरो एल वन और टी माइनस वन। तो ये कुछ हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, जिनको बेस यूनिट्स भी कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट्स जो है उनके ऊपर हम जो पावर लगा रहे हैं उसको हम कहते हैं डायमेंशन। लेकिन जब किस तरह से हमने उसको लिखना है और कौन सी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी जो है रिप्रेजेंट कर रही है किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को, उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। और तो उसको लिखने का तरीका ये है, और जो मास, लेंथ और टाइम हमारी बेस क्वांटिटीज हैं, तो ये जो यूज की जाती है। और इसके बाद भी जो हमारी टाइम के अलावा जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, और ए से डिनोट करते हैं, और टेम्परेचर को हम थीटा से डिनोट करते हैं, वो हम देखेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पहले हम बेस क्लियर करें, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे, तो वहां पे आपको आप देखेंगे। और ये जो है डायमेंशन एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जो हमारी जेई मेंस वगैरह जो जो भी एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, वहां पे ये एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन इसमें से जरूर होंगे। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से और इत्मीनान से पढ़िए और इसको इसकी जो बेस है उसको समझिए, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें डायमेंशनल इक्वेशन की, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है कि इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशन, कि जब हम फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करते हैं उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ, मतलब अब यहाँ पे क्या है कि खाली हमें इक्वल टू डालना है बीच में और एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम डायमेंशन निकाल रहे हैं उसको जो है इसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिखा, तो हमने कहा डायमेंशनल इक्वेशन है, मतलब डायमेंशन जो है डायमेंशनल फॉर्मूला को हमने इक्वेट किया बाय इट्स फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसको हमने क्या कहा डायमेंशनल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल मैंने दी हुई है, दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू, तो इसकी जो डायमेंशन है वो एम जीरो एल वन और टी माइनस वन, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है डायमेंशनल इक्वेशन। लेकिन जो एम जीरो, ये जो एम जीरो एल वन और टी माइनस वन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको हम कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे डायमेंशन देखें तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो दैट इज जीरो इन मास और वन जो है लेंथ में आ जाएगा और टाइम जो है और माइनस वन इन टाइम, ये जो है इसकी डायमेंशन है, ठीक है। तो और हम एग्जांपल कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है फिजिकल क्वांटिटीज लिखी है, वेलोसिटी लिखा हुआ है, मोमेंटम लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर और वर्क। तो आज हम इनकी जो है डायमेंशन निकालेंगे और नेक्स्ट जो है इससे जो मतलब अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेके आ जाऊंगा उनके डायमेंशन निकालेंगे और जो आईआईटी जेईई मेंस वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से जो वहां पे आते हैं और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा जो मास है उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ जो है एल से, टाइम को टी से, और इनकी ये जो है हमारी फंडामेंटल क्या है बेस यूनिट्स है, इनके ही जरिए हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डायमेंशन जो भी निकालनी होगी तो इनके ही जरिए हम निकालते हैं, और करंट एम्पियर ए से और टेम्परेचर को थीटा से। तो ये है कुछ क्वांटिटीज हमारे पास है जो यूज होती है इसमें मोस्टली। अब हमारे पास क्योंकि अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, जब तक हमें फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक हमें जो है किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम इज टी, टाइम को हम डिनोट करते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे डायमेंशन क्या बन गई, अब m तो नहीं है तो m को हम जीरो लिख लेंगे, l है l1 और t है t, t नीचे है ना, ऊपर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन, इतना तो समझ पाएंगे आप कि माइनस वन कैसे आ गया। अब मोमेंटम क्या है, मोमेंटम जो है मोमेंटम आ जाएगा p इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, तो विच इज इक्वल टू मास को m से हम रिप्रेजेंट करेंगे और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ गई हमारे पास, वेलोसिटी का फॉर्मूला है लेंथ अपॉन टाइम, तो यहां पे इसकी डायमेंशन क्या निकलेगी m1 और m0 भी है, यहां पे आप m0 को नहीं लिखेंगे, हम l1 और t माइनस वन लिखेंगे, l1 और t माइनस वन, बहुत इजी है और मुझे लगता है यही एक चैप्टर है जो सबसे इजी चैप्टर है इस जो है फिजिक्स में, इलेवंथ की फिजिक्स में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप हमें पता होना चाहिए, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो निकालेंगे हम इसकी जल्दी से इसकी डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन हम लिखेंगे पहले ऊपर एम जीरो एल वन और टी माइनस वन अपॉन, क्योंकि आप पहले निकाल चुके हैं बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम तो लिखेंगे नीचे टाइम, ठीक है, तो इसको t से डिनोट करेंगे, तो जब ऊपर लेके जाएंगे ना l1, l1 आ गया और t ये भी माइनस वन और माइनस वन हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, प्लस प्लस टू, हाँ t रेज पावर माइनस टू, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस वन प्लस माइनस वन, ये माइनस वन दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा,
ठीक है। उसके बाद अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स किसके बराबर होता है, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अब हमने तो निकाल ली पहले डायमेंशन, एक्सेलरेशन की अब फॉर्मूला फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मास को हम एम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एम जीरो इंटू एम जीरो एल वन और टी माइनस टू। अब ये एम जीरो नहीं लिखेंगे हम यहां पे, सॉरी इसको ब्रैकेट में रखना है, विच इज इक्वल टू यहां पे हम लिखेंगे एम वन एल वन टी माइनस टू। तो ये आ गई फोर्स की डायमेंशन। ये जो फोर्स है ना, फोर्स की डायमेंशन ये है अपने याद रखनी है हमेशा, क्योंकि ये जो फोर्स हमें हर जगह पे लगेगी आगे, ये जो है आपने मतलब मेमोरी में हमेशा रखना है, ठीक है। M1 L1 T माइनस टू याद करके रखो, M1 L1 T माइनस टू, दैट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स, रट्टा लगा के रखो, ठीक है। उसके बाद प्रेशर है, अब प्रेशर की डायमेंशन हमने निकालनी है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन हमें पता है ऑलरेडी, विच इज इक्वल टू M1 L1 T माइनस टू अपॉन एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज एल स्क्वायर। पहले हम निकाल चुके हैं एल स्क्वायर है, तो ये आ गया एल टू, ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एम वन एल एल, ये कितना बन जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस टू हो जाएगा, चलो मैं लिख लेता हूं वन और माइनस टू एंड टी माइनस टू, तो ये बन जाएगा एम वन एल माइनस वन एंड टी माइनस टू। या गए डायमेंशन आप इसके, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इसका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, फोर्स का जो डायमेंशन है एम वन, हाँ फोर्स ये है एम वन एल वन टी माइनस टू। ये मैंने आपको बोला कि हमेशा आपको याद रखते हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो दैट इज एल वन, तो ये बन जाएगा क्या एम वन एल वन और सॉरी एल टू एल वन और वन टू और टी माइनस टू। तो ये आगे किसकी डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जब तक ना आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तब तक जो है मेरे अंदर वो जज्बा नहीं आएगा कि मैं और ज्यादा वीडियो बनाऊं। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, मैं बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लेके आ जाऊंगा। और आज के लिए काफी इतना है और थैंक्स।